चल फिर बता के क्या बेथारे को यो कोई बात ना यो भी ना ये गोभी तो आती होगी थारे को भैंस की पूंछ यो हाँ अरे शुक्र है बोले बाबा यो ले ये लो इसमें करेला बनाने का रेसिपीज खोल के रखा है तुम डिसाइड करो कौन सा वाला बनाना है और मैं वही बनाएगा। अच्छा आता है भैयो ये शालिनी चेची भी ना सब कुछ इतना ऊपर ऊपर रख देता है। आज तो हम होंगे कामयाब। अच्छा एक बात तो बता। हाँ हमको अंग्रेजी में क्या बोले अस जूते अस हाँ और V for वीते विक्ट्री विक्ट्री माने मतलब जीत जो जो हमारी होगी। हाँ प्रतियोगिता जीतने के इरादे हैं थारे यहाँ घना विश्वास था ना थारे को अभी तुम हेल्प कर रही है ना। रही हो मिलगी करेले की सब्जी बनाने की विधि यो देख ठीक है हो जा पार्टनर शुरू काटने और छीलने में तो वैसे भी उस्ताद है तू। अच्छा तब तक हम एक गेम खेलें तो तुम मेरे को बताओ ए से क्या होती है। एते एते हो भी आलसी जो कि शालिनी भाभी है कुछ भी। अच्छा ठीक है एन से एनते जल्दी इतना टाइम नहीं है। नखरौली गांव जहाँ पे अपना घर और जमीन से बहुत अच्छा अब तुम मेरे को ये बताओ कि तुमको याद है मैं तुमको कल क्या सिखाया था। अरे वो बाहर वो टमाटर हाँ हरा धनिया इमली राते तन्ने का वो मूली ने राडिश 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 तो THIR क्या हुआ क्या हुआ थिर थिर हाँ और आज हम क्या सीखे UVAN तो वो सब मिलाकर क्या बनी के बड़ा थिर थिरुवन थिरुवन हाँ मैं ही आज हरपुर को थिरुवनंतपुरम में से थिरुवम तक तो सिखा दिया बहुत जल्द पूरा का पूरा स्पेलिंग भी सिखा देगा। घना आसान नजर आवे हो तो ला मन ने देखा नहीं तुमको लग जाएगा रहने दो। अरे मारे को सब आवे क्यों चिंता करे तू मुकाबला ना घनी खतरनाक औरतों से है जानती है यो गांव की औरतें ना नींद में भी दाल सब्जी रोटी सब बना दे में है हर को घनी मेहनत करनी पड़ेगी यो प्रतियोगिता जीतने खातिर। तो क्या कर रही है जल्दी जल्दी हाथ चलाना थारे छोले अभी तक ना बने जल्दी बना और तू के महारानी बन के बटे खड़ी है अठा अच्छे थे काट इसने मारे छोले सारे हरियाणा में सबसे स्वाद होवे। मोहिनी चाहे कुछ भी कर ले किसी बात में भी आगे चली जावे लेकिन मसाले पीसने में मारे को मारना दे पावेगी। के पूछ। आहा, स्वाद आ गया भाई खाके। इब देखियो, बरसों तक याद रखेगा ये नखरोली गांव, देवयानी के हाथ के बनी कड्डी खाकर। आज से ना मैं बड़े जोरों से प्रतियोगिता की तैयारी करने वाली हूँ। ब्रह्मन ने भी क्या सोचा था? थारे देना कुछ भी हो पावेगा। पागल तो मैं हूँ ना, मैंने कितने सर दे लिया अपना मोखली में। तन्ने ना ये प्रतियोगिता जीतनी पड़ेगी और उसकी खातिर मैं थारी मदद करूंगा और हम दोनों साथ में जीतेंगे। वापस से बना रावड़ी कर चल। कमाल साहब खड़ी खड़ी सोच के रही है। रे चुनौती कबूल करी है तो हमारी नाक मत कटवा देना सबके सामने। नहीं कटवाएगा मैं तुम्हारा नाक है? और मैं अपना नाक भी नहीं कटवाएगा क्योंकि मैं कंपटीशन से अपना नाक हटा रहा है, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करती। नहीं बनाएगा मैं खाना, नहीं आता मेरे। पागल हो गई, गमला माता आ गई कि तेरे अंदर। मैंने कुछ ना सुनना। अरे तन्ने ही तुम्हारे को कहा था कि बापू की तरह मदद करूं मैं उसकी। साथ में मैंने ये भी कहा था तेरा बापू जो है ना, मैं कैसा भी खाना बढ़ाती थी ना, मेरा हौसला बढ़ाती थे। ये कोई तरीका है हौसला बढ़ाने का है? मैं तन्ने ही कहा था ना कि बापू हमेशा सच बोलते थे, तो मैंने भी इसे सच बोला ना कि थारा खाना बिल्कुल बकवास बना है। अगर उसने कोई गलती कर भी दी ना तो खाएगी तो उसे पता चल ही जाएगा ना कि खाना जला हुआ है या खाना जो भी खराब है। तुझे क्या जरूरत है उसको बताने की उसकी गलती? इस तरीके से हौसला देते हैं अपनी लगाई ने। देखा ना कैसे नाराज होके गुस्सा होके चली गई। तो अब क्या करूं? ये तेरी लुगाई से ना तन्ने पता होना चाहिए ना कि उसका गुस्सा कैसे शांत होगा। अब जाकर उसका दिमाग ठंडा कर। कमल के बापू ये चक्के बताना कैसे बनाए? देखने में तो शानदार लग रहा है, चख भी लेते हैं। बड़ा स्वाद बनाया रागनी, हमेशा की तरह। माही थारे को पता है ना प्रतियोगिता जीतने के सिर्फ 5 दिन रह गए से और तो इनकी तो शुरुआत ही ना हुई। दिमाग ठंडा करना है, दिमाग ठंडा करना है, दिमाग ठंडा करना है, दिमाग ठंडा करना है। ठंडा प्रेम हमारे दिमाग में क्यों ना आया? बोल रागिनी जी जी, कोठी में तो बड़े जोर शोर से तैयारी हो रही होगी प्रतियोगिता की। हमारे यहाँ भी बढ़िया खाना बन रहा है। वैसे हम तो ये हरियाणवी खाना बना लेंगे, पर पता नहीं ये मद्रासन के ओंडू घोंडू बना देगी प्रतियोगिता में। घनी जोर से उड़ रही थी ना वहाँ मद्रासन। इब देखियो प्रतियोगिता में इतनी जोर से मुँह के बल गिरेगी ना कि सारी हेकड़े निकल जाएगी उसकी। न्यानी ये तरह ट्राई चाहिए नदान है अपने। उत्तम कनिक्या पक्षे एंडे मिस्टे कनिक्या में पम रही। तुम अपना दिल छोटा मत करना मोहिनी। तुमको खाना खाना पसंद है ना, तो तुम खाना बनाना भी जल्दी सीख जाएगा। अम्मा मैं कितना भी ट्राई करता है मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं फेल हो रहा है। मोहिनी तुमको याद है तुम्हारा मेडिकल एंट्रेंस का 5 दिन पहला मैं मलेरिया से बीमार हो गया था और वैली का भी बोर्ड एग्जाम चल रहा था। तब तुमने घर का सारा काम संभाल के रात रात को बैठ के अपना पढ़ाई किया था और अपना मेडिकल का एंट्रेंस भी क्लियर किया था। और अपना हिम्मत बढ़ाने के लिए तुम बार बार एक पोयम बोलता था। चलो अब भी वो पोयम बोलो। अरे भाई बर्फ की डली निकाल जल्दी। अरे भाई क्या करेगा बर्फ का? यो याद बिछा। यो होगी बर्फ की चुस्की तैयार। ये देखना मद्रासन के मुंह पे कैसे मुस्कुराहट आवे है। मारे को ना पता था कि मारा भाई इतना रोमांटिक से। यो रोमांटिक रोमांटिक के हुए हमारे को ना पता, यूँ तो बस मदरासन का दिमाग ठंडा करने का इंतजाम से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसकी पूंछ इसने क्या हो गया? घर जाते जाते तो पिघल जाएगी। अरे तू चिंता ना कर, ऐसे कैसे पिघल जाएगी? अरे कबड्डी चैंपियन हूँ मैं, इसने धूप बिना लागने दूंगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसका मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मदरासन लो, आ गया तुम्हारा इरिटेटिंग सनी लो। अम्मा आज ना मैं इस अकड़ू सिंह से बिल्कुल बात नहीं करेगा, अभी रखता है। ओके ओके बाय। अरे थारे लिए चुस्की लेकर आया हूँ, चक्के तो देख ले, मैंने अपने हाथों से बनाया है। या जा तुम क्यों बनाई मेरे लिए? तुम तो वैसे भी यही सोचती है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं खाएगा मैं। तुम्हारी बात तो सुन, पहले अपना दिमाग ठंडा कर ले, फिर तन्ने बताऊंगा कि क्या बनाया थारे लिए। अरे पकड़ना, चल खा के तो देख। और बाकी सब अब यो चुस्की तो थारे ताई स्पेशल लाए सू, यो से सबके ताई तो कुल्फी। तो फिर देना सबको। ले तू भी ले। खाता है। मोहिनी ना चुस्की खा ले, और वैसे भी तू ना खावेगी ना तो कोई ना खाने वाला ये कुल्फी। अयो क्यों गया? बहुत मीठा है। हमारे को लाग ही रहा था कि केरल में तो मीठा कम खावे है ना। यो देख, अब पहले नींबू लेके आया था। खा के देख, है ना घड़ा स्वाद? हाँ। आजा, हाँ? थारे को एक बात बताता हूँ, चल 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 चल। बड़े बाबा, इन दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक ना बस ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। हरपुल सॉरी, वो मेरे को इस तरह तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। जा, माफ किया। तू भी ये याद रखेगी। ठीक है, तो मैं ही अपना सॉरी वापस ले रहा है। और वैसे भी अगर तुमसे तुम्हारा खाना जलता तो तुम भी तो गुस्सा होती। मारे दे खाना कदे जले ना है। हाँ, ठीक है? हाँ, तुम तो बहुत बड़ा शेफ है ना, जो तुमसे खाना नहीं जल सकता। शेफ वेफ ना हूं मैं, पर हाँ इसलिए ना जले क्योंकि जो भी काम करूँ ना दिल से करूँ। हाँ, इसे मेरे को तंग करना। हाँ वो भी। अरे कोई तरीका बताऊं दिल से काम करने का? कोई भी काम करना होवे ना, उस इंसान के बारे में सोच जो थारे दिल के बिल्कुल करीब हो। जैसे जब मैं अपने खेत में हल जोतू ना, तो मैं हमारी माई के बारे में सोचूं। हर फूल वो मैं जा रहा हूं अंदर, तू आ। जी माई। अरे क्या हो गया? बंसी की दुकान से ना 1 किलो खोया लिया। बंसी की दुकान थे कि मन्नू के पास से ले आता हूँ ना। अरे ना मन्नू ने फोन किया था ना, उसकी दुकान में खोया ना आसे। अब पैसे आना तेरे पास? हाँ है पैसे। क्या हो गया? लेकिन पैसे ना जेब में रखे जाते। ये आदत नहीं ना पड़ी से अभी। ये आदत डाल ले। भाई ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। तो घबराई सी क्यों लग रही है मन्ने? अरे घबराई हुई कहूँ मैं न, तेने तो ऐसे ही लगता है सुंड की मुहाड़े। जा जा लेकर रखो। अरे जाना ठीक है। The number you're calling is currently switched off. फोन ही बंद है। क्यों हुआ भाई? कोई ना, वो 20 बार शारदा को फोन लगा चुकी हूँ, फोन ही बंद आ रहा है। घबराहट हो रही से। मैं देख कर हूँ कि तुझे तो पता ही है ना, तू अगर वहां जाएगा ना हवेली ते बलवान तो तुझे अंदर घुसने ना देगा। पता नहीं के हो क्या होगा शारदा ने, मन घबरा रहा है मेरे, इसीलिए तो मैंने हरफूल को भेज दिया खोया लेने और उसे ना बताया। ना ना वो तो ठीक किया तूने, पर माई कोई ना कोई तरीका तो होगा ना पता लगाने का। माई भाई एक बात तो, जब से गांव में ये प्रतियोगिता की बात छिड़ी थी ना, अपने शालिनी के खाने में और भी स्वाद आ गया है। वाकई शालिनी, ये आलू गोभी की सब्जी है ना, तूने घनी अच्छी बनाई से। सिर्फ घनी अच्छी या प्रतियोगिता जीतने वाली घनी अच्छी? बहुत अच्छी। मैं भी वो कटहल हाँ उसका सब्जी बनाया। चटा सबसे पहले ही तुम टेस्ट करके बताओ ना कैसा। जरूर करेंगे भाई। घड़ी स्वाद सब्जी बनी है भाई। ना माँ घड़ी कसूती सब्जी बनाई है। अरे ऐसे कटहल की सब्जी तो आज तक शालिनी ने भी ना। मोहिनी कटहल की सब्जी तो ना बहुत अच्छी बनी से, लेकिन सानी ने जो बनाई है ना उसे थोड़ी सी कम अच्छी से। थैंक यू अम्मा। वैसे अगर तू कटहल के पकौड़े बनाती ना तो अपने हर फूल को तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो कैसे खा जाता है ना 20-22 तो पता ही ना चलते। हाँ लेकिन मैं ये कटहल का सब्जी उस हर फूल के लिए नहीं बनाया ना, मैं तो कंपटीशन के लिए बनाया। मैं ही क्यों बनाएगा उसके लिए? हर फूल के लिए तो ना बनाया इसने कुछ भी ना। ये जो सब्जी है ना ये तो प्रतियोगिता के लिए बनाई है। हाँ। और खाए ना खाए तेने कोई फर्क ना पड़ता है ना। इसने तो सच में फर्क ना पड़े। फर्क पड़ता है अम्मा।